हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था, कितने जोरों शोरों से फूफा साहब एंड फूफी का वेलकम हुआ था जब वो हज से वापस आए थे। एंड मैंने आपको बताया था कि हज वलीमा भी जल्द ही होने वाला है, लेकिन हम लोग हैदराबाद आ जाएंगे तब तक। लेकिन अगर मेरे पास बहुत अच्छे से कलेक्शन होगा उन वीडियोज का, तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी हज वलीमा कैसे सेलिब्रेट किया गया। यकीन मानिए गाइस, वीडियोस का कलेक्शन इतना ज्यादा था कि मुझे सिलेक्ट करने पड़ा कि मैं कौन कौन सी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं, इससे वीडियो छोटी और इंटरेस्टिंग बन सके। एंड फाइनली अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, जल्दी रूबी फूफी से मिलेंगे। लेकिन हम लोग उनके हज वलीमे में नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे हैदराबाद के टिकट हो गए हैं एंड हम लोग को संडे में निकलना है। एंड गाइस, अगर हज वलीमे की वीडियो का कलेक्शन मेरे पास अच्छे से आता है तो मैं जरूर अच्छे से व्लॉग बनाकर आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अब आप रूबी फूफी के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हज मुबारक से वापस आते हैं तो अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो फूफी ने मुझे ये बुर्का गिफ्ट किया है। एंड जब ये बुर्का वेयर किया था तभी मैंने सोच लिया था कि इंशाल्लाह मैं जब भी हज या फिर उमरे पर जाऊंगी मैं यही बुर्का वेयर करूंगी। गाइस, हैदराबाद जाने से एक दिन पहले मैं रूबी फूफी एंड फूफा साहब से मिलने उनके घर चली गई थी। एंड उनको मुझे गिफ्ट देना था क्योंकि हज वलीमे पर मैं हो नहीं पाऊंगी। एंड आतिफ ने भी वीडियो कॉल कर ली थी साथ में ही। एंड मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि ये पहला फैमिली फंक्शन है जिसमें मैं शामिल नहीं होंगी। इस चाचा ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई जिससे मुझे लगा ही नहीं कि मैंने फंक्शन अटेंड नहीं किया था। आप वीडियो खुद देखिएगा। सो गाइस, अब चलते हैं फूफी के हज वलीमे पर। गाइस, चाचा ने बहुत ज्यादा मेहनत की है वीडियो रिकॉर्ड करने में। जैसी वीडियोस मुझे चाहिए थी चाचा ने सेम वैसे ही रिकॉर्ड करके मुझे दी हैं। अब हो गया है टाइम सब लोग के आने का। एंड चाचा ने मुझे बताया था कि बिल्कुल साइड में जो था इस साइड पर खाने का अरेंजमेंट किया गया था। यहाँ पर सैलेड है, प्लेट्स हैं एंड यहाँ नॉन वेज था एंड वेज भी था, क्योंकि फूफा साहब एंड फूफी के बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो इस पार्टी में शामिल हुए थे। एंड इस फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही चाचा ने ये रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि उस टाइम पर इतना रश होता है तो वीडियो बनाना नामुमकिन होती है। एंड इसके बाद दारिस ने पापा और मम्मी दोनों का वेलकम किया। दारिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चहीते हैं फूफा साहब के एंड ये उनके भाई के बेटे हैं। एंड इसके बाद वेलकम करते हैं कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स का जिन्होंने इस पार्टी में और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए। हाउ गाइस, अब फाइनली वेलकम करते हैं अपनी फैमिली का, दादी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फंक्शन के लिए। एंड दादी एंड माँ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे फूफी एंड फूफा साहब के लिए जो इस फंक्शन में उनको दिए जाएंगे।
गाइस फाइनली वेलकम करते हैं मेरी फैमिली का। गाइस मेरे घर से आई थी भाभी, मम्मी पापा, फैज और फाजिल, एंड उन्होंने फूल पहनाकर मिठाई देकर फूफी को बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी। गाइस वीडियोस हो या फोटोज, अपने मम्मी पापा को जब आप देखते हो तो एक अलग ही खुशी होती है, एंड मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी मम्मी पापा को वहां देखकर। अनम भाभी के मेन लोगों को ले रही हूँ। अभी ये भी है ना आलम भाई भी। डाल दो यार। बेटा अब तो मेमोरी फुल हो गई, अब तो छोड़ दे। आमा हो गया वो तो छोड़ दे। एक मिनट भाभी, बेटा आप भी आओ।
के साथ होती है फंक्शन की एंडिंग। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हज वलीमा आपको कैसा लगा। नो डाउट चाचा एंड पोपी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड इसी वजह से चाचा और पोपी बहुत ही ज्यादा काम, यहाँ तक कि चाचा तो बिल्कुल भी नहीं दिखे हैं पूरी वीडियो में। एंड गाइज, इसी के साथ लेती हूँ मैं अलविदा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।